भाजपा के प्रचंड जीत के साथ 37 साल बाद इतिहास दोहराते हुए सूबे की सत्ता पर दोबारा काबिज हुई है, जबकि योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार प्रदेश की कमान सौंपी गई है। इस दौरान बृजेश पाठक और केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जबकि कई अन्य दिग्गजों को भी योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो चलिए एक नजर डालते हैं योगी के मंत्रिमंडल में मौजूद सियासी धुरंधरों की राजनीतिक पारी पर। योगी सरकार 2.0, मंत्रियों का सियासी सफर। योगी ने थामी सूबे की कमान। संगम नगरी से शुरू हुई केशव मौर्य की पारी। गृहिणी से मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य। 33 साल से अजय है विधायक सुरेश खन्ना। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को हुआ। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही योगी आदित्यनाथ की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में हुई। योगी अपने माता पिता को बिना बताए गोरखपुर जा पहुँचे, जहाँ सन्यास धारण करने का निश्चय लेते हुए उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। इसके बाद गोरखपुर सीट से चुनाव जीतने के बाद योगी 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुँचे और फिर लगातार 2017 तक 5 बार सांसद रहे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी निजी सेना हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया। साल 2017 में यूपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी के हाथ लगी, जिसके बाद योगी के शानदार 5 साल के कार्यकाल के बाद एक बार फिर से जनता ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान थमा दी है। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले बृजेश पाठक ने छात्र जीवन से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और साल 2022 में उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य में डिप्टी सीएम जैसा अहम मुकाम हासिल किया। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे थे। पाठक लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे थे, जिसके बाद पाठक राजनीति की ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ने लगे। साल 2022 कांग्रेस ने उन पर दाम लगाया, जिसके महज 2 साल बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर अंत में यानी कि साल 2016 में बृजेश पाठक भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पाठक को लखनऊ मध्य क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव में पाठक ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को पराजित कर ये सीट जीत ली। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में कानून मंत्री बनाए गए थे। केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से हुई, जब वे 2022 में स्थानीय माफिया अतीक अहमद के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और 7000 मत पाकर 4th स्थान पर रहे।
बाद में 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र सिराहतू से पहली बार विधायक चुने गए। उस समय वो इलाहाबाद मंडल के चारों जिलों इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर से इकलौते भाजपा के विधायक चुने गए थे। साल 2013 इलाहाबाद के केपी कॉलेज में ईसाई धर्म प्रचारक के आगमन के विरोध का नेतृत्व करते हुए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हुए। अप्रैल 2016 में उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके ही नेतृत्व में भाजपा ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार भले ही मौर्य को पल्लवी पटेल के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन भाजपा ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए एक बार फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया है। साल 1995 में बेबी रानी मौर्य का भाजपा के साथ राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। इससे पहले वे घरेलू महिला थी। पार्टी में आते ही उन्हें मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया था। वे आगरा की पहली महिला मेयर बनी थी, जिसके बाद वो राजनीति में सक्रिय रही। साल 1997 में बेबी रानी मौर्य को भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की कोषाध्यक्ष बनाया गया था। साल 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया था। 2018 में उन्हें बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया गया था। वे उस समय विदेश में थी। जब तक पदभार ग्रहण करती तब तक राज्यपाल के लिए उनकी घोषणा हो गई थी, जिसके बाद साल 2018 में उनको उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। और अब साल 2022 में बेबी रानी मौर्य को योगी के मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया गया है। शाहजहांपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। यहां से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पिछले 33 सालों से लगातार 8 बार से विधायक हैं। सुरेश कुमार खन्ना यहां से 1999 में पहली बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। साल 1991 में सुरेश कुमार खन्ना दूसरी बार निर्वाचित हुए और कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए। साल 1999 में शुरू हुआ सुरेश कुमार खन्ना की जीत का सिलसिला। 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 और 2017 के चुनाव में भी जारी रहा। ये सिलसिला इस साल के चुनाव में भी जारी रहा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनीति के सफर में अहम मुकाम हासिल करने वाले ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनको शुरुआती जीवन से ही राजनीति ने अपनी तरफ खींच लिया। तब से ये नेता राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इनकी सक्रियता और लोकप्रियता का ही नतीजा है कि इन सभी सियासी धुरंधरों के हाथ में प्रदेश की कमान सौंपी गई है। टाइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट।